दोस्तों नमस्कार और स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ, बात करेंगे आज हम सूखा पे। सूखा, इसको कुछ लोग सूखा की बीमारी कहते हैं, कुछ लोग इसको सीप की बीमारी कहते हैं, कुछ लोग इसको सुपरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक्चुअली आपकी बर्ड्स में क्यों होता है, इसके लक्ष्य, इसके होने का मेन रीज़न क्या है, और इसका जो है दोस्तों मैं आपको जो है 100% जो है सक्सेसफुल इलाज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों देखिए, देखा जाए तो सूखा या जो सुपरा या सीप की बीमारी जिसे लोग कहते हैं, ये एक्चुअली कोई बर्ड में बीमारी नहीं है। ये एक कंडीशन होती है जिसमें जो है आपकी बर्ड इतनी कमज़ोर हो जाती है, उसका वेट लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो धीरे धीरे अनाज खाना बंद कर देती है, धीरे धीरे जो है उसके जो बॉडी का वेट है कम होने लगता है, उसका जो चेस्ट की बोन है वो बाहर आने लगती है, और कुछ दिनों में आप क्लियर कट आप उसको देख सकते हैं कि उसके जो चेस्ट होता है फ्रंट, वो जो है दिखने लगता है क्लियर कट, वहाँ एक लाइनिंग टाइप की जो चेस्ट की बोन दिखने लगती है, और धीरे धीरे दोस्तों ये कुछ दिनों में आपकी बर्ड जो है ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आप इस में देख सकते हैं दोस्तों, ये एक लव बर्ड है, और ये हमारे जो एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं सौरभ जी जो बैंगलोर से, उनकी बर्ड का हुआ था ये, उन उसमें जो है ये सीप की बीमारी या सूखा जिसे कहते हैं, इसके लक्षण दिखने लगे थे, और उसकी जो फ्रंट की चेस्ट की जो बोन है वो क्लियर कट दिखने लगी थी। तो फिर इसको जो है 5 दिनों तक जो है ट्रीटमेंट दिया गया, 1 हफ्ते 10 दिन में, और 1 हफ्ते 10 दिन में जो है ये बर्ड एकदम परफेक्ट हो गई, और अब जो है ये बर्ड प्रेजेंट ये कैसे दिखती है, इसका फोटो ये रहा दोस्तों, ये आप स्क्रीन देखें अब ऐसे। तो दोस्तों देखिए, आपकी बर्ड को जो है जो सूखा या सीप की बीमारी होती है, ये एक्चुअली डायरेक्टली एक बीमारी नहीं है, किसी और बीमारी के चलते ये बर्ड की आपकी कंडीशन होती है। जैसे अगर आपकी बर्ड को जो है लूज मोशंस है, या उसको जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है, या कोई और दिक्कत है, तो उस कंडीशन में होता है क्या दोस्तों, आपकी बर्ड बीमार चलती रहती है, और अगर आपने उसका टाइमली इलाज नहीं किया, उस बीमारी का इलाज नहीं किया, तो धीरे धीरे आपकी बर्ड की जो बीमारी वो बढ़ते जाती है, और आपकी बर्ड जो है खाना और बाकी जो उसकी एक्टिविटीज़ होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और जैसे उसका खाना पीना कम होता है, एक्टिविटीज़ कम होने लगती है, तो धीरे धीरे बर्ड जो है अपना हेल्थ लॉस करने लगती है, उसका वेट गिरने लगता है, और धीरे धीरे जो चेस्ट के सामने जो मसल्स होते हैं पहले उन वहाँ जो रहता है वो एनर्जी कंज्यूम होने लगती है बॉडी, और धीरे धीरे वो सूखने लगता है, और एक स्टेज ऐसा आता है जब एकदम हड्डी दिखने लगती है, और ग्रेजुअली आपकी बर्ड ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपकी बर्ड को कोई भी दिक्कत हो, जैसे उसको लूज मोशन है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन है, मुंह में झाले हैं, या उसके नाक से जो है डिस्चार्ज गिर रहा है कुछ, तो अगर आप उसको पहचान लेते हैं कि आपकी बर्ड को कौन सा इन्फेक्शन है, कैसा है, और उसका ट्रीटमेंट आप राइट मतलब तुरंत उसको सेपरेट करके उसका अगर आप ट्रीटमेंट कर देते हैं, तब तो चांसेस है कि आपकी बर्ड जो है बच जाएगी, सही हो जाएगी। नहीं, अगर आपने जरा सी लापरवाही की, आपने ध्यान नहीं दिया, तब तो दोस्तों आपकी बर्ड जो है इसका ज़्यादा दिन बचना वो नहीं रहता, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने बर्ड को आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट कर लिया तब तो सही है, और अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी बर्ड में क्या दिक्कत है, किस चलते जो है उसकी चेस्ट की बोन जो है दिख रही है, या किसके चलते उसको सीप की बीमारी हो गई, या सूखा के जो लक्षण दिख रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको जो है 2 चीज़ दवाइयों के नाम बोल रहा हूँ, ये दवाइयाँ आप नोट कर लीजिए, और इनको आप जो है कंटिन्यूसली कम से कम 1 हफ्ते दीजिए, और हफ्ते भर में दोस्तों आपकी बर्ड जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ये जो है मैंने खुद पर्सनली जो है हमारे मित्र ने अपने बर्ड पे ट्राई किया है, ट्राई करने के बाद उसका जो रिजल्ट देखा, हमने देखा है तो रिजल्ट भी जो है बहुत ही अच्छा था। इसके तो इससे पहले भी कई लोगों ने बताया है, कुछ लोग बताते हैं मेरी क्वीन दे दीजिए, मेरी क्वीन से और लिवर 52 का डोज से भी सही हो जाता है, बट दोस्तों उससे भी काफ़ी अच्छा जो है इस ये जो 2 दवाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनका रिस्पांस रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कोई भी बर्ड सूखा या उसको सीप की बीमारी हो गई है, तो पहली दवा है टैक्सिम ओ जो है दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये एक आपको मिल जाएगी, ये अराउंड 1890 के आसपास आती है टैक्सिम ओ, ये टैक्सिम ओ सोल्यूशन आप ले लीजिए, ये एक एंटीबैक्टीरियल बहुत तगड़ी एंटीबैक्टीरियल दवाई है, ये आपको किसी भी जो है मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, ये छोटे बच्चों की दवा है, और इससे जो छोटे मोटे निमोनिया हो गए, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गए, या लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, या पेट में कोई दिक्कत है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी तरह की अगर आपकी बर्ड के अंदर है तो उसका जो है ये 100% ट्रीटमेंट कर देती है दोस्तों। तो एक हो गया टैक्सिम ओ, और दूसरी जो दवा है दोस्तों ये है
पॉलीबियम जो है दोस्तों, पॉलीबियम सिरप जो है ये बी कॉम्प्लेक्स की बहुत अच्छी सिरप है और ये भी जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अब इसको देने का तरीका क्या है दोस्तों, देखिए जब भी आपकी कोई बर्ड या कोई भी आपका जो लव बर्ड है बजिए जो उसका सूखा का सिखा उसको हो गया लक्षण दिख रहे हैं या सुपरा के जो लक्षण उसमें दिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसको जो आप सेपरेट कर लीजिए बाकी बर्ड से और इतना इंश्योर करिए दोस्तों कि कम से कम उसको दिन में एक बार जो है आप हैंड फीड जरूर कराएं। हैंड फीड कराने से होता क्या दोस्तों कि आपकी बर्ड की रिकवरी तेज हो जाती है और उसको जो है उस पीरियड में जो दोस्तों जो सीड्स होते हैं जो फूड आइटम्स या जो सीड्स वो ज़्यादा पसंद से खाते हैं वही सीड आइटम्स उनको दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि वो वही सीड आइटम्स दें जो हल्के होते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो टैक्सिल ओ के जो सॉल्यूशन है इसके दो ड्रॉप्स आपके बर्ड के जो है सीधे मुंह में आपको दो ड्रॉप देने, जिस बर्ड को जो है जिसमें ये लक्षण दिख रहे हैं उसको दो ड्रॉप जो है उसके मुंह में सीधे दे दीजिएगा। ये कंटिन्यूसली आपको वन वीक तक इसको देना है और जो पॉलीबियम सिरप है दोस्तों, पॉलीबियम सिरप को आप अगर आपकी बर्ड सॉफ्ट फूड ले रही है तो उसमें जो है आप थोड़ा सा जो है एक दो ड्रॉप उसमें मिक्स करके उसको सॉफ्ट फूड में दे सकते हैं। नहीं, अगर सॉफ्ट फूड नहीं खा रही है, नहीं दे रहे हैं या उसको लूज मोशन के चलते ये कंडीशन हुई है तो उस समय सॉफ्ट फूड नहीं देते, तो सॉफ्ट फूड को अगर जैसे आपने सुबह जो है टैक्सिम ओक का जो है दो ड्रॉप अपने बर्ड के मुंह में डाला तो शाम को जो है पॉलीबियम सिरप के एक ड्रॉप जो है सीधे अपने बर्ड को दे दीजिए। पॉलीबियम का जो एक ड्रॉप है इसको आप कंटिन्यूसली 10 डेज तक दीजिएगा दोस्तों और जो टैक्सिम ओ है इसको एक वीक तक कंटिन्यू करिएगा। इसको जैसे आप करेंगे दोस्तों तो आप जो है एक हफ्ते में आपको खुद जो है आपके बर्ड में रिजल्ट दिखने लगेगा कि उसके जो जो सीप के जो लक्षण थे सीप की बीमारी के वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और हफ्ते 10 दिन में दोस्तों आपकी बर्ड जो है बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी और एकदम परफेक्ट हो जाएगी। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ड्रॉप कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों और बाकी जो है ग्रुप्स में इसे ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।